देखो दोस्तों कितनी प्यारी ये वादियां लग रही है, कितनी खूबसूरत ये पहाड़ लग रहे हैं। देखो नीचे नदी आ गए हैं पहाड़ों की गोद में। यार ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वहाँ पे ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत देखो फ्रेंड यहाँ पे नेचुरल सोर्स पानी का निकल रहा है और मैं लेके आया हूँ पानी की बोतल। गंगा माता का उद्गम स्थान, जैसे कि आ रहा हूँ इन पहाड़ियों को फिर से गले लगाने। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मैं हूँ अभी ऋषिकेश के रास्ते पर, यानी कि देव नगरी के रास्ते पर, यानी कि योग नगरी के रास्ते पर। और आप देख रहे हैं कितने प्यारी लोकेशन है, कितने सुंदर ये इस टाइम ये पेड़, ये सड़क, ये सूखे पत्ते जो यहाँ पे नीचे गिरे हुए देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और बहुत ही व्यस्तम रोड है अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल जगह, मैं आगे आपको बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नेचर से फुल, और बहुत ही माउंटेन, रिवर और बहुत सारी खूबसूरती, यानी कि पहाड़ों की खूबसूरती से भरा होने वाला ये ब्लॉग होने वाला है। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और ये भी बताने वाला हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ। और दोस्तों दूसरी बात ये है, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वो 10 साल बाद में वापस उस जगह पर जा रहा हूँ जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के पास है। और मैं बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं वहाँ पर था और आज 10 साल बाद दोबारा फिर वहाँ मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए उस प्यारी हसीन सी जगह को, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज हमारा डॉगी यानी कि प्यारा प्यारा डॉलर भी हमारे साथ जा रहा है गाड़ी में, और इसका पहला सफर होने वाला है गाड़ी में। डॉलर, डॉलू, डॉलू कैसा लग रहा है बच्चे? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक, देखो कितना प्यारा कलाकार इस पर करी गई है, ये देखो। और ये है ऋषिकेश, देखिए इतना ट्रैफिक जैम हो रहा है बिकॉज क्या है कि आजकल सीज़न है ना, यात्रा सीज़न है, तो दूर दूर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और ये लक्ष्मण झूला वाला रास्ता है, देखो ये मंदिर है यहाँ पे, सुंदर सुंदर मंदिर, देखो पूरे धर्मशाला है, मंदिर सारे आपको इसी रूट में मिलेंगे। ये ऋषिकेश का मार्केट है, मेन मार्केट जो कहते हैं। और देखो फ्रेंड यहाँ पे आपको शिवालिक एडवेंचर या युरवा एडवेंचर काइंड ऑफ ऐसे एजेंसी मिल जाएंगी जो राफ्टिंग और एडवेंचर गेम यहाँ पे कराते हैं, चाहे कायाकिंग हो या फिर राफ्टिंग हो, इस तरह से गेम यहाँ पे करवाते हैं, यहाँ पे पूरे आपको वही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गया हूँ मुनि की रेती से आ गया, इतना भयंकर जाम लगा है ना आजकल, क्योंकि केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ और आपकी हेमकुंड यात्रा भी शुरू काफ़ी टाइम से हो गई है, तो इतना हैवी ट्रैफिक है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं सोच रहा था ऋषिकेश उतर के ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक था। अभी मैं आ गया मुनि की रेती से आगे, काफ़ी आगे शिवपुरी से ऑलमोस्ट शिवपुरी पहुँचने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर अभी बहुत गर्मी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन एक अलग ही अंदाज है जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, एक वेट रहता है कि आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ठंडा ठंड ठंडी ठंडी हवा आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, तो वो एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर है। तो फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है जो कि ऑल वेदर रोड बनाया गया है, और यहाँ की एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ पर मैं जरूर के आपको बताऊँगा, बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये है वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत सुंदर ये आप दृश्य देख रहे हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वहाँ पे ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही फेमस ये प्लेस है। अक्सर हमें बहुत सारी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, जितनी बॉलीवुड की मूवी शूटिंग होते हैं ना नॉर्मली यहाँ ऋषिकेश में, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत ब्रिज है यार, बहुत ही प्यारा, अभी वहाँ ब्रिज पर जाके मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके जा रहा हूँ नीचे की लोकेशन पे ब्रिज में, देखो ये यहाँ से माँ गंगा आप देख रहे हैं, पतित पावनी गंगा, और ये देखिए यहाँ से हम जाएंगे नीचे, और ये ब्रिज देख रहे हैं बहुत ही फेमस है ब्रिज है। अब हम ये जो है दूसरी बात है दोस्तों, ये आता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और वो आता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ये जो ब्रिज है आपको ये दोनों में डिवाइड करता है, ये देखिए बहुत सुंदर, यहाँ पे अक्सर शूट वगैरह चलते रहते हैं, प्री वेडिंग शूट या फिर मूवीज़ के शूट। और ये देखिए बहुत पूरा झूला ब्रिज ये है, पूरा झूला ब्रिज, ये देखिए पूरा हिल रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज है यार, ऊपर पहाड़ियों से कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ लग रही हैं भाई, कितनी सुंदर लग रही है यार, ये देखिए वाह, ये देखिए
ये देखिए, और ये गंगा, और ये वो ब्रिज है जहाँ से अभी आ रहे थे नीचे, ये वो ब्रिज है, ये देखिए। तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं, मैं हूँ इस टाइम ऋषिकेश के पास, यानी कोडियाले के पास, बहुत ही फेमस जगह है। और कोडियाले के रास्ते के बीच में ये गाँव पड़ता है, जो आप देख रही है पीछे गाँव है, ये आता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी पौड़ी जिला जो है वहाँ पे आता है। तो दोस्तों ये है यमकेश्वर ब्लॉक, जिसमें हमारे योगी जी इसी ब्लॉक से आते हैं, उनका गांव इसी ब्लॉक में पड़ता है, ये देख रहे हैं ठीक पीछे। और इधर देखिए ब्रिज के इस तरफ ये आता है आपका देहरादून, यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ये आता है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, मन अच्छा लग रहा है यार, बहुत सुंदर है यार। और जो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है ना, उन पर भी यही आपको ब्रिज देखने को मिलेगा, सेम यही इसी ब्रिज की फ़ोटो लगाते हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर गांव भी बहुत सुंदर है, आप पीछे दिख रहे हैं, ये पूरे गांव है यहाँ के, ये पूरे दिख रहे हैं पीछे, ये पूरा गांव है यहाँ पे। और वो देखो फ्रेंड देख रहे हैं वहाँ पे, वो पूरी कैंपिंग चल रही है, गाँव ने अपने खेतों पर कैंपिंग लगा रखी है, ये ऊपर गाँव है, नीचे उन्होंने खेत अपने रेंट पर या लीज पर दे रखे हैं, या फिर खुद ही कुछ लोग खुद करते हैं और कुछ लोग जो है लीज पर दे देते हैं, ये देखिए। और फ्रेंड इस समय ब्रिज में बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं मेरी जुल्फे लहरा रही है, और मुझे वो गाना याद आ रहा है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, इतना मजा आ रहा है गर्मी में ना यहाँ पे ब्रिज में हम रुके, और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है मस्त गंगा के किनारे, गंगा माँ के किनारे। और पता नहीं ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद में, जैसे बताया आपको 10 से 10 साल 12 साल बाद में यहाँ पे इस ब्रिज में आ रहा हूँ, 10-12 साल पहले मैं इस ब्रिज में आया था, तभी मैंने फोटो क्लिक की थी, तो आज फिर से मौका मिला है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार देख के, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या हवा चल रही है, वाह हाँ 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 मज़ा आई। देखो फ्रेंड यहाँ पे नेचुरल सोर्स पानी का निकल रहा है, और मैं लेके आया हूँ पानी की बॉटल, और यहाँ पे हम जो है पानी भरना चाहेंगे, ये देखिए वाह पानी का सोर्स निकल रहा है पानी। जल नेचुरल जल, तो फ्रेंड्स ने मैंने भर लिया है नेचुरल वाटर, ठंडा ठंडा नेचुरल वाटर भर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा पानी, वाह दोस्तों कितना प्यारा दृश्य है यार, ये देखो पहाड़ों के पीछे गंगा माता निकल रही है, देखो कितना हरा हरा सा पानी, बहुत खूब। तो फ्रेंड्स ये है देहरादून की, यानी कि उत्तराखंड की बहुत ही फेमस तोता घाटी, पीछे ठीक में नदी देख रहे हैं, और ये पीछे देख रहे हैं चट्टान, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इसको मतलब यहाँ पे बहुत सारे हादसे भी होते हैं, क्योंकि ये घाटी बहुत पुरानी बहुत ऐतिहासिक ये घाटी है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना विहंगम दृश्य आ रहा है, कितना खूबसूरत प्लेस लग रहा है, देखिए ये देखो नदी कितनी बारीक लग रही है, गंगा नदी जो कि देवप्रयाग से होकर आ रही है और ऋषिकेश की तरफ जा रही है, तो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है, और तब दिल को खुशी हो रही है इन पहाड़ों को देख के, दोबारा से एक ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो एक अलग सा ही मज़ा आ रहा है इस हवा में, और कुछ अलग ही प्रेम की और स्नेह की अनुभूति से मुझे फील हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं तीन धारा में, जो कि केदारनाथ रूट का एक बहुत ही फेमस एक प्लेस है, यहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं। और तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की थाली, इसमें है हमारे पास कड़ी, लौकी की सब्जी, ये इन्होंने कुछ चटनी और खीरे इसमें ऐड किए हैं, दाल, और ये हमारा नान, थोड़ी देर में चावल भी आएंगे, दिखाते हैं इंजॉय करके कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हूँ मैं बिल्कुल संगम में, यानी कि इस जगह का नाम है देवप्रयाग। फ्रेंड देवप्रयाग यानी यहाँ पे है गंगा माता का उद्गम स्थान, जैसे कि आप जानते हैं गंगोत्री से गंगा माता निकलती है, गंगोत्री के रूप में निकलती है, लेकिन यहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है तो बन जाती है अपनी पति पावनी माँ गंगा। तो आप देख रहे हैं ये डार्क डार्क जो वाटर आ रहा है इधर से, ये है आपकी अलकनंदा, और ये आ रही है आपकी जो ग्रीन है, ये आ रही है आपकी भागीरथी। अलकनंदा जो आ रही है ये आ रही है दूसरी जो चमोली की साइड से, और जो ये भागीरथी आ रही है टिहरी की साइड से, तो बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखो ये हमारा प्यारा देवप्रयाग, यानी देवों का प्रयाग, प्रयाग दोस्तों उसको कहते हैं जहाँ पे नदी का संगम होता है, जैसे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, इस प्रकार ये पंच प्रयाग होते हैं, उनमें देवप्रयाग भी एक है, तो ये है देवप्रयाग। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं बिल्कुल अलकनंदा और भागीरथी के संगम, यानी कि देवप्रयाग में, ये मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये देवप्रयाग में संगम हो रहा है, और मन इतना खुश हो रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरे 10 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, और फिर से मुझे गंगा माता के दर्शन करने को मिले, जहाँ से गंगा माता का उद्गम स्थल जो यानी गंगोत्री में, लेकिन गंगा माता जो बनती है ना, जो बोलते हैं अलकनंदा और भागीरथी के संगम में ही गंगा माता बनती है,
इस प्रयाग का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्यों ये फेमस है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना उस टाइम यहाँ पे अमृत गिरा था, तो जहाँ जहाँ पे अमृत गिरा था वहाँ पे संगम स्थल हुआ, उसको प्रयाग के नाम से फेमस हो गया। तो अभी बिल्कुल अपने जो डेस्टिनेशन है यानी कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मैं आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ देवप्रयाग में, यानी देवों के प्रयाग में। और फ्रेंड्स मैं अभी हूँ ऑन द वे अपने लोकेशन पे जहाँ मैं 10 साल बाद जा रहा हूँ। और ठीक पीछे देख रहे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं, देखो कितने प्यारे सुंदर, तब पहाड़ों की गोद में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस टाइम में बिल्कुल पहाड़ों की गोद में, नीचे देख रहे हैं वो देखिए नदी है, नीचे वो देखिए ये नीचे नदी बह रही है, ये देखिए पूरी। भाई इतना आश्चर्य मज़ा आ रहा है ना, गर्मी से निकल के ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे गाड़ी हमने रोकी है और इस तरह से मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रुक जाऊँ, बहुत प्यारी लोकेशन है। और इसी तरह आपको प्यारी प्यारी लोकेशन भी देखने को मिलेंगी इस रूट पर। जैसे मैंने कहा है आ गए हैं पहाड़ों की गोद में, यानी कि प्रॉपर पहाड़ों की गोद वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, नीचे गहरी नदी। और मैं अब आपके सामने डिस्कस कर ही देता हूं मैं कहां आ रहा हूं। दोस्तों मैं आ रहा हूं अपने होम टाउन या अपने गाँव पूरे के पूरे 10 साल बाद, और ये पहाड़ियों से मिलने, इन नदियों से मिलने, और आ रहा हूं इन पहाड़ियों को फिर से गले लगाने, इन पहाड़ों को, इन नदियों को, इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों को गले लगाने पूरे 10 साल बाद। तो मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, और यहाँ से अब मात्र ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूरी मेरा होम टाउन है जो कि मेरा गांव कह सकते हैं वो पड़ता है। और इतनी सुंदर लोकेशन के साथ इतना प्यारी सड़कें यहाँ पे हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। और व्यू तो इतना सुंदर है कि दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे, ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत बढ़िया। मौसम भी बड़ा अच्छा है, धूप ज़्यादा नहीं है, शांति शांत सा माहौल है और इतना पीस है, इतनी शांति है कि क्या बताएं, मतलब ऐसी शांति ऐसी पीस आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं, खासकर सिटी में तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। देखो दोस्तों कितनी प्यारी ये वादियां लग रही हैं, कितनी खूबसूरत है पहाड़ लग रहे हैं, देखो नीचे नदी देखो कितनी छोटी सी लग रही है। वाव क्या मौसम है, क्या पहाड़ है, क्या नदियां हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा था ना हम पहाड़ों की गोद में हैं, ये देखिए बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, काले काले बादल, और ये देखो सड़क कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो कितना मेस्मराइजिंग व्यू है। देखो अरे देख रहे दोस्तों ये चीड़ के पेड़ है, देख रहे हो आप, ये चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे पहाड़ के, और ये टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल का ये जो है चंद्रबंदनी क्षेत्र है, यानी चंद्रबंदनी यानी माता का मंदिर यहाँ पे है, बहुत फेमस एक सिद्धपीठ है माता चंद्रबंदी का, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल आप पहाड़ों का आनंद लीजिए, देखिए तो फ्रेंड जैसे मैंने दिखाया अब हमारी जो लोकेशन है यानी जो हमारी मंजिल है बहुत करीब है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जब हम अपने लोकेशन पे यानी अपने पुराने घर पे पुराने गांव में पहुंच जाएंगे बड़े अच्छे से। देखिए इस सड़क का कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ये देखिए मज़ा आ गया। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, जून का महीना है आज, जून की 20 तारीख है, और अगर आप शहरों में जाएंगे तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बर्फीली हवा, ठंडी ठंडी हवा आपको छू रही है, और क्या बताएं बस आप, मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या मेरे को फील हो रहा है इस टाइम यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दोस्तों वेदर थोड़ा ख़राब है लेकिन ये है मेरा होम टाउन, देखो कितना खूबसूरत है ना। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा यार कैसा आपको लगा मेरा होम टाउन।
बहुत खूबसूरत है ना, ये देखिए, ये है, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ पे छोटा सा टाउन है, शॉप्स वगैरह हैं, और ये नीचे सड़क है, यहाँ से ऊपर हम यहाँ पे आए हैं, पूरा ऊपर आना पड़ता है लगभग 300-400 मीटर की चढ़ाई चढ़ के। और ये देखो अब सनसेट होने वाले, क्योंकि 6 बज गए हैं, इतना खूबसूरत है ना भाई, मैं क्या बताऊँ आपको यार, देखो वादियों को, देखो पहाड़ों को, वाह। अब कल जब मौसम साफ होगा ना तो फिर से आपको अच्छे से दिखाऊँगा मैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि अपने घर पे, अपने होम टाउन पे, और ये जो मेरा होम टाउन है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे है, आप देख सकते हैं हसीन वादियों में। तो मैंने कहा था ना कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ियों की गोद में, यानी कि पहाड़ों की गोद में, तो आप ठीक पीछे देख रहे हैं, पहाड़, हसीन पहाड़, बहुत खूबसूरत पहाड़, और बहुत ही बहुत प्यारा, बहुत स्वीट सा सफ़र था, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र था, और क्योंकि मैं 10 साल बाद आ रहा था, तो वो पूरी पहाड़ियों के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएँ, वादियाँ, नदियाँ, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार ये। तो अब जो भाई जो ब्लॉग बनने वाले हैं उनमें होने वाली तबाही, हल्का ब्लॉग बनने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक वाली, क्योंकि मैं आ गया हूँ एक गांव वाले एरिया में, यानी कि अपनी होम टाउन में, जिसका नाम है अंजनी सैंड, जो कि पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। आपने टिहरी डैम का नाम तो सुना होगा ना, वही टिहरी डिस्ट्रिक्ट, उसी के अंतर्गत मेरा गाँव आता है, यानी जिसका नाम है अंजनी सैंड। और यहाँ का दोस्तों, यहाँ का नाम अंजनी क्यों पड़ा, अंजनी से मैं आपको विस्तार से बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी की माता का मंदिर है, और हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी, उसी के बेस पर ये नाम पड़ा अंजनी सैंड। सैंड का मतलब होता है प्लेन, मतलब सीधा साधा एरिया, प्लेन एरिया, तो अंजनी सैंड मतलब अंजनी माता का नाम और सैंड वाला एरिया। तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये मेरे ठीक से देखा, ये यहाँ पे ये जो है, ये है सिद्धपीठ चंद्रवदनी। यहाँ का ब्लॉग मैं आपके लिए लाने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ डेज में, क्योंकि कुछ हसीन पल में अपनी ज़िंदगी की इस प्लेस में गुजारने वाला हूँ। और अब आएंगे तबाही वाले ब्लॉग, इसमें आपको बहुत सारे विलेज ब्लॉग, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्यूट से ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको व्यू बताता हूँ कैसे यहाँ पे लग रहा है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पहाड़ी भाई, लिटरली पहाड़ी भाई को ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि, और भारत माता की जय।